जो भी इनके साथ मिलके जिन्होंने इनको आकर लाभ बिठाया वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं। आज पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नजर आता है, इतना मुश्किल काम नजर आता है। इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलों से बाहर निकल जाएगा। शरीफ के दो बेटों को 3 भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के वारंट का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये मामले पनामा पेपर्स से जुड़े हैं, जिसमें शरीफ परिवार के लंदन में लग्जरी अपार्टमेंट्स के मालिकाना हक के बारे में सवाल उठाए गए थे। क्या आप जानते हैं कि शरीफ के बेटे हुसैन और हसन 12 मार्च को पाकिस्तान लौटने की तैयारी में हैं और उन्होंने एक विशेष अदालत से अपनी गिरफ्तारी के वारंट को निलंबित करने की गुजारिश की है। यदि आप इन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दो बेटों को 3 भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के वारंट का सामना करना पड़ रहा है, जो पनामा पेपर से जुड़े हैं। ये मामले हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स अल अजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें शरीफ परिवार के लंदन में लग्जरी अपार्टमेंट्स के मालिकाना हक के बारे में सवाल उठाए गए थे। इन मामलों में शरीफ के बेटे हुसैन और हसन के खिलाफ एक विशेष अदालत ने 2018 में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे और उन्हें फरार घोषित किया गया था। इन मामलों की सुनवाई तब शुरू हुई थी जब दोनों बेटे पाकिस्तान में नहीं थे। उनके वकील काजी मिसबाउल हसन ने अदालत को बताया था कि वे सऊदी अरब और ब्रिटेन के निवासी हैं और इन मामलों में उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बहन मरियम नवाज और सेवानिवृत्त कैप्टन सफदर उनके साले के साथ आरोपी बनाए गए थे। वकील ने कहा कि वे आधिकारिक कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे और राज्य ने कभी भी नोटिस, गिरफ्तारी के वारंट और प्रचार के जरिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास नहीं किया था। इत्तेफाक से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 के पिछले आम चुनावों से कुछ दिन पहले एवनफील्ड मामले में सजा सुनाई गई थी। शरीफ को दिसंबर 2018 में अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया गया था। शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर ने एवनफील्ड रेफरेंस में अपनी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय IHC में चुनौती दी थी। शरीफ ने अल अजीजिया मामले में भी चुनौती दी थी, लेकिन जब वह विदेश में चले गए और वापस नहीं आए तो IHC ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। जब वे ब्रिटेन में थे तो मरियम और कैप्टन सफदर ने मामले को आगे बढ़ाया और आखिरकार IHC ने उनकी सजा को रद्द कर दिया। जब शरीफ ने पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान लौटकर अपनी अपीलों को पुनर्जीवित किया तो IHC ने उनकी दोनों मामले में सजा को रद्द कर दिया। नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार चुना गया, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP ने एक सरकार बनाने के लिए साझेदारी करने पर सहमति बनाई। 8 फरवरी के चुनावों में शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN पार्टी ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के बाद दूसरे स्थान पर आई मरियम नवाज शरीफ की 50 साल की बेटी 26 फरवरी को पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये थी शरीफ परिवार की राजनीतिक कहानी, लेकिन उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले का क्या हुआ? क्या शरीफ के बेटों का पाकिस्तान लौटना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर वह अपने पिता की तरह न्यायिक जाल में फंस जाएंगे? क्या शरीफ परिवार पर पनामा पेपर्स के जरिए खुलासा होना और लंदन में लग्जरी अपार्टमेंट्स के मालिकाना हक का सबूत पेश करना होगा या फिर इन मामलों को राजनीतिक साजिश के रूप में बताकर बच निकलेंगे? क्या शरीफ परिवार की राजनीतिक वापसी का असर पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी स्थिति पर पड़ेगा या फिर अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहेंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।